अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हुआ हूँ अबू धाबी। तो ये चेक करें, यहाँ पे फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं और यहाँ पे बिल्डिंग्स जो है ना वो बहुत ही कमाल की हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये देखें आप लोग, ये मैं मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पे माहौल चेक कर लें एक बार, ज़रूर आप लोग यहाँ पे आने का सोचेंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना खुशगवार है। बहुत खूबसूरत इलाका है अबू धाबी का। मैं तो समझता था कि देहात है, बट नो, इट्स रॉन्ग। बहुत खूबसूरत इलाका है, दुबई से भी बहुत खूबसूरत है। मैं आगे की तरफ चलता हूँ, फाउंटेन्स चल रहे हैं, उनको आप लोगों को दिखाता हूँ कितने खूबसूरत लग रहे हैं वो। साथ में कासिम सामने खड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे फाउंटेन्स जो चल रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत है, कितनी खूबसूरती के साथ इनको बनाया गया है। तो आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते किस कदर खूबसूरत है अबू धाबी। ये चेक कर लें आप, क्या खूबसूरत माहौल है यार यहाँ। हाँ तो ये देखिए पानी के जो फाउंटेन्स है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इन्होंने एक बड़ा फाउंटेन बनाया हुआ है और ये छोटे छोटे साथ में इनको दिया हुआ है। कितना प्यारा व्यू आ रहा है, आप लोग बहुत खुश होंगे इसको देख के। माहौल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मेरा तो दिल कर रहा है मैं नहा लूँ। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है यार। ये देखिए इन्होंने पानी का एक तालाब बनाया हुआ है, वाटर चेक करें, ब्लू वाटर लग रहा है ऐसे मालूम होता है। तो मैं ये देखें अभी आप लोगों को फुल दिखा चुका हूँ, ये धूप पड़ रही है अब यहाँ से। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे भी बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, ये इलाका ही बहुत खूबसूरत है। मेन वर्ड्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत क्लीन और बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। यहाँ पे इतना अमन है, क्या बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि दुबई में इतना शोर होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट है। ये फुहारे चल रहे हैं और इनके लिए हम यहाँ पे आए हुए थे देखने के लिए, क्योंकि फुहारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत प्यारा माहौल क्रिएट किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, हम देखना चाह रहे हैं। देखिए कितना प्यारा शॉट लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है इसको देखते हुए। मैं आप लोगों को क्लियरली सारा कुछ दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास फाउंटेन की जो फुहारे आ रही हैं, वाह बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को चेक करा दूँ, ये चेक करें, ये यहाँ पर ना फाउंटेन की वो आ रही है, शॉर आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि हम आए हुए हैं अबू धाबी और यहां पे करेंगे हम थोड़ा सा चिल। तो मैं आप लोगों को अभी मेन इलाका दिखा दूंगा अबू धाबी का, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। ये चेक कर लें फुहारे, वाह कितना मज़ा आ रहा है यार, आई कॉन्ट बिलीव कि ये अबू धाबी है। जैसे सुना था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। लोग कहते थे कि ये एक देहात टाइप है, लेकिन देहात नहीं है, बहुत खूबसूरत इलाका है। हाँ तो ये देखें बिल्डिंग से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कितना खूबसूरत इलाका है ये। ये अबू धाबी है जी, आएँ कभी आप लोग दुबई तो अबू धाबी को लाजमी चक्कर लगाइएगा। अबू धाबी माल की तरफ बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट है, बहुत प्यारा इलाका है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं घूमने। और हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को भी इसका विज़िट करवा दें, क्योंकि आप लोग भी देखें कि कितना प्यारा इलाका है। क्योंकि यहाँ पे ना यार धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए मैं अपना फेस नहीं दिखा पा रहा। ये चेक करें आप लोग माहौल है जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखें इन्होंने एक नक्शा बनाया हुआ है ज़मीन के ऊपर। हाँ जी, तो आप लोगों ने देख लिया है कितना खूबसूरत इलाका है ये। ये मस्जिद बनी हुई है आप लोगों के साथ, ये देखें माहौल तो इधर का है ना, इन्वायरमेंट। आपको मैंने दुबई भी दिखाया होगा, आपको अबू धाबी भी दिखा रहा हूँ, अब ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे अबू धाबी क्या है और दुबई क्या है। तो मुझे तो वैसे ना एक बात बताऊँ आप लोगों को क्लियरली, बुर्ज खलीफा ने जो जस्ट ओनली बुर्ज खलीफा ही है जो वहाँ पे खूबसूरती का माहौल पेश करता है, लेकिन बुर्ज खलीफा के अलावा यहाँ पे जो माहौल है ना, आखिर माहौल है, बहुत मज़ा आता है। वो सामने बिल्डिंग चेक करें कितनी ऊंची है। तो यहाँ पे सफाई बहुत है, बहुत ज़्यादा ही, देखें ना, ये मैं आपको नीचे से चेक करा लूँ, फुल माहौल है यहाँ पर। और क्या बात है यार, क्या नज़ारे हैं आसमान के, क्या बादल आए हुए हैं,
क्या सड़कें हैं, क्या माहौल है यार, बहुत ही खूबसूरती के साथ आर्किटेक्ट किया हुआ है इसको। आप लोग खुद देखेंगे, वाह क्या नज़ारा है। ये देखें अबू ज़ैबी है, हाँ जी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और साथ दिएगा बेल आइकन। हाँ, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ दिएगा बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, मेरी वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा, ये आप लोगों की तरफ से हमें एक इनाम होता है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अबू धाबी का कुछ और माहौल भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग हमारा यहाँ पे हुआ ख़त्म। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की खैर करे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक व्लॉग के साथ। गुड बाय, अपना ख्याल रखना सब लोग, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं वैसे भी आज बहुत दूर आ चुका हूँ, थक गया हूँ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह।